जय हिंद, वंदे मातरम साथियों, मैं हूं प्रिंस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी जीडी 2024 की नई भर्ती के बारे में। जी हां दोस्तों, नो बकवास, सीधी बात, ओनली स्टडी फॉर जीनियस के साथ। जी हां दोस्तों, आपने यहां पर बहुत सारे कमेंट बॉक्स में भर दिए कि भाई साहब नई भर्ती कब तक आएगी और हमारा इस भर्ती में कोई चांस नहीं है, तो कृपया करके नई भर्ती बताइए। तो भाई साहब, आप लोगों के लिए अब यहां पर नई भर्ती का जो पिटारा है वो खुल चुका है। जी हाँ दोस्तों, जितने भी साथी हैं जिनका इस भर्ती में सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो भाई बिल्कुल हार नहीं मानना मेरे दोस्त। जिंदगी में दोस्तों बहुत सारे गम आपके सभी के साथ होंगे, लेकिन उन गमों से आपको लड़ना है। और कभी भी दोस्तों यहां पर ये नहीं सोचना है कि यार मुझसे नहीं होगा, जरूर होगा। अगर आपने ठान लिया तो कोई ताकत नहीं है जो इस बार आपको दोस्तों एसएससी जीडी की भर्ती में सिलेक्शन रिले से रोक पाए। जी हाँ दोस्तों, ओनली भाई 5 से 6 महीने खुद को कमरे में बंद कर दो। जितने भी माइंड में सवाल आ रहे हैं, कुछ भी हो दोस्तों, सब कुछ भूल के सिर्फ 5 से 6 महीने एक कमरे में बंद हो जाओ और तैयारी पर फोकस करो। मेरे भाई, बार बार ये बोलने से नहीं होगा यार, मेरा तो होगा नहीं यार, मेरा तो नसीब ही खराब है, मुझसे नहीं होगा। ये नसीब नहीं, आपकी मेहनत में कमी है। जी हाँ, चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं नई भर्ती का। साइड में आप जो देख पा रहे हो, 1,08,000 प्लस दोस्तों वैकेंसी खाली है अभी एसएससी जीडी के अंदर। ये क्यों आ रही है, आप सभी को भी इसका रीजन पता होगा, क्योंकि भाई 2024 के अंदर इलेक्शन आने वाले हैं लोकसभा के, ठीक है, प्रधानमंत्री के इलेक्शन आने वाले हैं। और यहां पर छात्रों के लिए रोजगार का जो मुद्दा है, ये वाली वैकेंसी रहने वाली है और बहुत सारी वैकेंसी अभी खाली पड़ी है जो रिसेंटली आने वाली है। अब आप बोलेंगे वैकेंसी कब तक आएगी, कितना टाइम इसमें लग जाएगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को 2021 की बात बता दूं मैं, 2021 की जैसे वैकेंसी खत्म हुई, उसके तुरंत बाद दोस्तों, यानी वो बच्चे ज्वाइनिंग पर भी नहीं गए थे और तुरंत दोस्तों वैकेंसी आ गई। 27 अक्टूबर के आसपास जितना मुझे याद है वैकेंसी आई थी, और दोस्तों ज्वाइनिंग पर जो जाना स्टार्ट हुए थे वो दिसंबर में जाना हुए थे, ठीक है, यानी 2 महीने पहले ही वैकेंसी आ गई। तो इसका अंदाजा आप यही लगा सकते हैं कि भाई साहब नई वैकेंसी ज्वाइनिंग से पहले ही आपको देखने को मिल जाएगी। 2023 की जो ज्वाइनिंग आने वाली ना, इस भर्ती से पहले ही वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। और वैकेंसी भी दोस्तों बिल्कुल बम्पर वैकेंसी है। जी हाँ, 1,00,000 प्लस वैकेंसी इस बार आपको देखने को मिलेगी। तो ये मौका हाथ से ना जाने दें मेरे भाई, बहुत हो गया यार, बहुत ज़्यादा आपने माइंड पर प्रेशर डाल दिया फालतू की चीज़ों पर। जी हाँ दोस्तों, कुछ बच्चे तो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हैं इस चीज़ को लेकर कि उनका नहीं हुआ। मेरे भाई देखो ध्यान से, कहीं ना कहीं तो कुछ कमी है कि आपने कितना ज़्यादा इन किताबों को टाइम दिया है, कितना ज़्यादा आपने किस चीज़ को टाइम दिया है। मैं गारंटीड बोल सकता हूँ कि जितना ज़्यादा आपने जिस चीज़ को टाइम दिया होगा ना, उस चीज़ के आप एक्सपर्ट होंगे, चाहे मोबाइल हो, चाहे गेमिंग हो, चाहे दोस्तों यहाँ पर बाबू सोना हो, चाहे फ्रेंड्स यहाँ पर आपका कोई भी खेल हो, या फ्रेंड्स जो भी आपकी हॉबी हो, उसमें आप एक्सपर्ट बन चुके हैं। लेकिन एक्सपर्ट इन चीज़ों से पढ़ने में घंटा भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। घंटा फ़र्क दोस्तों किस में पड़ता है पता है, तैयारी करने में। क्योंकि आज से दोस्तों 1 साल बाद या 1.5 साल बाद आपसे लोग ये नहीं पूछेंगे कि तूने जिंदगी में कितनी गर्लफ्रेंड बनाई, कि तूने कितना ज़्यादा यहाँ पर एक्सपीरियंस लिया खेल का, कितना ज़्यादा तूने गेम खेला, यही पूछेंगे कि अभी तेरी क्या औकात है प्रेजेंट में, कि तू अभी किस पोस्ट पर है, तेरी कितनी सैलरी है, ये सब लोग पूछते हैं। मेरे भाई ध्यान रखना इस बात को, मुझे पता है आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं अभी, लेकिन इस दिमाग को, टेंशन को निकाल के साइड में फेंको यार, बहुत कुछ हो गया, बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में गम झेल लिए, लेकिन नहीं, अब दोस्तों अपनी मुट्ठी को बंद करो और कसम खाओ कि हाँ प्रिंस भाई, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जी हाँ, इस बार तो फोड़ना है आपको यार, कब तक आप तरसाते रहोगे अपने फैमिली मेंबर को, कब तक, एक ना एक दिन तो उनको भी दोस्तों यहां से आपको, जब वो परेशान हो जाएंगे तो उनको भी बोलना पड़ेगा, बेटा बहुत हो गया, अपना बोरिया बिस्तर उठा और निकल जा खाने कमाने के लिए, ये नौबत नहीं आए ना, इसलिए इनको पूजना स्टार्ट कर दो। यकीन दिलाता हूं, सूरत के साथ साथ दोस्तों जिंदगी भी बदल जाएगी।
या बहुत सारे लोग हैं जो मेरे बारे में उल्टा सीधा बोल रहे थे, क्योंकि 2021 के अंदर दोस्तों जितना मुझे याद है कि उस टाइम मेरा फाइनल सिलेक्शन रुक गया था एसएससी जीडी के अंदर, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे डिमोटिवेट किया कि तुझसे नहीं हो पाएगा, मुझे पता था तेरा तो यही हाल है, बोलता इतना ज़्यादा है, करता कुछ नहीं है, कुछ भी दोस्तों बहुत सारे लोगों ने कमेंट बॉक्स में बहुत बुरा भला बोला। लेकिन दोस्तों मैंने सारी बातों को इग्नोर किया, मुझे पता था यार जब यहाँ पर आप फेल हो जाते हो ना तो बहुत लोग आपको बोलेंगे, इस बार भी आपको बहुत सारे लोग बोलेंगे कि इससे नहीं हो पाएगा यार, बहुत सारे आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, यहाँ तक कि आपके घर वाले भी बोल सकते हैं कि ये तो ऐसा ही अनिठल्ला है, इसकी बस की कुछ बात नहीं है। लेकिन मेरे भाई उनको करके दिखाना है, जो पीठ पीछे भौंकते हैं ना उनके मुंह को बंद करके दिखाना है और बोलना है कि भाई सही बोला था यार उस लड़के ने, सही बोला था कि मैं जो है कुछ नहीं कर सकता लेकिन मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। बहुत कुछ का मतलब समझ रहे हो कि उनका मुंह बंद करना है। कमेंट बॉक्स में बहुत लोग भौंकने आ जाते हैं दोस्तों, लेकिन उनका मुंह दोस्तों एक दिन तो जरूर बंद होगा। और मैं उन पर ज़्यादा फोकस भी नहीं करता यार, क्योंकि आप सभी के साथ दोस्तों 100 में से 10% 12% लोग ऐसे मिल जाएंगे जो सिर्फ भौंकना जानते हैं, उनसे कुछ होता तो है नहीं, सिर्फ कमेंट बॉक्स में आते हैं और चले जाते हैं, उनकी बातों को मैं इग्नोर कर देता हूँ, क्योंकि भाई वो बराबरी नहीं करते, सिर्फ दोस्तों यहाँ पर वो जो है जलने के लिए आते हैं, वो जले बैठे हैं बहुत ज़्यादा, तो बेचारे बराबरी नहीं कर सकते ना, तो इसलिए अपना गुस्सा सिर्फ कमेंट बॉक्स ही सीमित रखते हैं, क्योंकि नंबर उनके पास है मेरा, कभी मजा है जो फ़ोन पर उन्होंने मुझे आज तक कुछ बोला हो, नहीं बोल सकते, क्योंकि उनको पता है यार ये जो लड़का है ना ये भी हमसे बहुत ज़्यादा ऊपर है, हमारी औकात नहीं है इससे बात करने की, आंखों में आंखें डाल करके। तो इसलिए दोस्तों जितने भी लोग हैं ना ये आपके साथ तब तक मजाक बनाते रहेंगे जब तक आप उनसे नीचे हैं या वो आपकी बराबरी, आप उनकी बराबरी नहीं कर पा रहे हो। लेकिन यार इनको सिर्फ अपने कदमों में लाने के लिए और अपने बराबरी के लिए इनका सिर्फ एक ही तरीका है, वो है दोस्तों इस बार आपको सिलेक्शन लेना, इनका मुंह बंद करने के लिए। तो 2023 और 24 जैसे ही आएगा ना आपको दोस्तों अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाना है, मेरे कहने से सिर्फ 6 महीने, सिर्फ 6 महीने यार इन किताबों को दे दीजिए, कोई ताकत नहीं है दोस्तों इस बार जो आपको सिलेक्शन लेने से रोक पाए, बस सिर्फ 6 महीने। बहुत कुछ हुआ दोस्तों, बहुत कुछ आपने झेला लाइफ में, बहुत कुछ आपने गम झेले, बहुत कुछ दोस्तों आपने यहाँ पर दुख झेले, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने झेली आज की इस दौर में, लेकिन इस दौर को अगर आपको जीतना है तो इस दौर को दोस्तों कुछ ना कुछ 6 महीनों के लिए आपको और थोड़े से जो है यहाँ पर सबक लेना है, थोड़ा सा और ज़्यादा सबक लेना है बस, उसके बाद आपकी मौज ही मौज है। जो लोग कहते थे ना कि तुझसे नहीं हो पाएगा, वो भी एक दिन यही बोलेंगे कि हाँ मुझे भरोसा था कि भाई मेरा भाई जरूर करके दिखाएगा। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।